आपने पिछले कुछ हफ्तों में वेस्ट बंगाल को न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे जो अनरेस्ट चल रहा है उन रीजंस की वजह से है। हम जानेंगे इस पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन या स्टोरी को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करके। सबसे पहले जानते हैं हम उसके बारे में कि ये कंट्रोवर्सी, ये पूरा जो वहाँ अनरेस्ट चल रहा है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, किस रीज़न की वजह से शुरू हुई। लेकिन आज के इस वीडियो का एम इसकी कहानी जानना नहीं है, वो आपको कोई भी बता देगा। आज के इस वीडियो का एम है कि ये जो बात चल रही है क्या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है, तो ये पूरी की पूरी कहानी ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेसिडेंट्स रूल होता क्या है, फिर हम थोड़ा सा जानेंगे क्या ये पहली बार प्रेसिडेंट्स रूल है जो वेस्ट बंगाल में लग सकता है। फिलहाल लगा नहीं है, बट क्या अगर लगा तो क्या ये पहली बार होगा। और हम फिर समझेंगे कि प्रेसिडेंट्स रूल की रिक्वेस्ट क्यों की गई। तो हम बेसिकली पूरा हिस्ट्री जानते हुए और उस कंसेप्ट को समझेंगे। फटाफट से ब्रीफली देख लेते हैं। आपको यहाँ जो स्क्रीन पे न्यूज़पेपर खुला हुआ है, आई हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल आया था अपॉन अ पर्सन जिनका नाम है शेख शाहजहाँ। अब ये जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है ना, ये जो पूरी कहानी शुरू हुई है, इसके सेंट्रल फिगर यही है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, जिसको आप गून भी कह सकते हैं, एक तरीके से बोला जा सकता है, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो किसी जगह पे, उनको स्ट्रॉन्ग मैन बोला जाता है। सो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन इन अ पार्टी कॉल्ड टीएमसी। अब टीएमसी सुन के आप समझ ही गए होंगे कि अपनी ममता दीदी की पार्टी। उसमें नॉर्थ बंगाल में एक जगह आती है जिसका नाम है संदेश खाली। इस संदेश खाली और इस नदन रीजन में जो एक पार्टी लीडर है जिनका बहुत इन्फ्लुएंस चलता है, जिनकी चलती है लोगों में एक तरीके से, दैट इज दिस पर्सन जिनका नाम है शेख शाहजहां। अब ये कहानी इनसे कैसे शुरू होती है? बेसिकली ऐसा सडनली एक बात निकल के सामने आई कि ये जो जगह है संदेश खाली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एससी और एसटी की है। अब यहाँ पे जो आदमी रहते हैं और जो फैमिलीज रहती हैं उनमें जो आदमी है मेल, वो ज़्यादातर टाइम घरों को छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम एल्डर्स, बच्चे, औरतें ये घर में अकेले रहती हैं, आदमी लोग वहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि वो शहर छोड़ के बाहर कहीं दिहाड़ी मजदूरी किसी भी इस टाइप का काम करने गए होते हैं। तो हाल ही में ये पता चला है, सडनली एक प्रोटेस्ट बाहर आई औरतों की, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि स्पेशली दिस पर्सन एंड पीपल एसोसिएटेड विथ हिम, ये घरों में आकर जो सुंदर महिलाएं हैं वहाँ की, जो सुंदर लेडीज़ हैं, उनको लेकर जाते थे और पार्टी ऑफिस में लेकर जाके एज लॉन्ग एज दे वॉन्टेड दे वुड फोर्स दैट गर्ल या वुमन टू स्टे, एंड थिंग्स लाइक कि मतलब अपन डिस्कस भी नहीं कर सकते, इस तरीके की महिलाओं ने चीज़ें बोली है कि उनके साथ की जाती थी जस्ट बिकॉज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने ये तक बोला है कि हमको पुलिस ने तक प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि आज जिस टाइम पे हम जी रहे हैं, जिस कंट्री में हम इंडिया को बोल रहे हैं 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बना लेंगे, वहाँ पे एक ऐसी जगह भी है, भले ही छोटी सी पिछड़ी जगह, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी घर में औरत सेफ नहीं है, अगर ये बात सच निकलती है तो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बात निकल के आई है ये सीरियस नहीं है या गंभीर नहीं है या पूरे देश का अटेंशन डिजर्व नहीं करती, ठीक है। यहाँ से बात चालू हुई, उसके बाद जैसे ही ये खबरों में आया तो एक जो कमीशन है, जो आर्टिकल 338 के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो कमीशन है उसका पूरा का पूरा काम ही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उस कमीशन का नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब यहाँ से हम आगे से धीरे से कहानी समझते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल तक कैसे पहुँचे। तो भाई लोग, जो कमीशन है उसको हम बोलेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ये कमीशन अब इस जगह पर विजिट करने के लिए गई और इस कमीशन ने लोगों से बातचीत की। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि लोग बातचीत करने को ही तैयार नहीं थे, लोग मतलब औरतें बातचीत करने को ही तैयार नहीं थी, वो इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। जैसे तैसे उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाई ताकि उनको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, फिर जाके पता चला। फाइनली जो NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की या सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने रिपोर्ट सबमिट की थी, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा मांग की कि
इस स्टेट में जो पूरी स्टेट की मशीनरी है, मतलब आप कोई भी स्टेट देखोगे उनका पूरा का पूरा काम एक मशीन की तरह चलता है, घड़ी की तरह चलता है, क्लॉकवर्क। कहीं एक पेंच भी ज़रा सा टेढ़ा हो जाए या ढीला हो जाए तो पूरी की पूरी मशीन हिल जाती है। उसी तरीके से स्टेट का जो पूरा सिस्टम है, पूरा गवर्नेंस है, वो भी इसी तरीके से चलता है। वहाँ एक ज़रा सा भी पेंच ढीला हो जाए, टूट जाए, तो पूरी मशीनरी धरी की धरी रह जाती है। तो इनका ऐसा कहना था कि वी हैव अ गुड पोजिशन, वी हैव अ गुड रिपोर्ट राइट नाउ, विच प्रूव्स, ये रिपोर्ट प्रूव करती है कि इस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वॉट इज द वर्ड, द वर्ड इज, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दिस वर्ड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, क्योंकि पूरी बात यहीं से आती है। इन्होंने बोला स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो सही से नहीं चल रही। अब बेसिकली यहाँ स्टेट को जिस तरीके से गवर्न करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में क्या करें, इस केस में स्टेट से आप जिम्मेदारी लेकर कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट के हाथ में दे दो, या कुछ टाइम के लिए सेंटर जो है वो स्टेट से, एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट से जिम्मेदारियाँ ले लें जब तक स्टेट में वापस सब कुछ सुधर नहीं जाता, फिर वापस उनको दे दें। दिस इंटायर प्रोसेस, ये जो छोटा सा अभी अपन ने कंसेप्ट बोला ना, दिस इंटायर थिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं सही भाषा में, या इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स रूल की जब हम बात करते हैं तो हम दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। एक होता है आर्टिकल 355 जो कि इस चीज़ के बारे में बात करता है कि किसी भी स्टेट को, एवरी स्टेट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, हर स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए अगेंस्ट दो चीज़ें। किन चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से आया किसी टाइप का अग्रेशन, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है तो उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरा हो गया इंटरनल इम्बैलेंस। ठीक है, ये बात हो गई भाई लोग, आर्टिकल 355 ये बोलता है। अब मेन जो हमारा आर्टिकल है हम उस पर आएंगे, 365। आर्टिकल 365 बात करता है मेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल की। आर्टिकल 365 अब यहां बात करता है जो मैंने पहले बोला था, दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच वॉज द फ्रेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आर्टिकल 365 भाई लोग ये बोलता है कि अगर देर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उस केस में किसी भी स्टेट का पूरा पावर है वो लेकर प्रेसिडेंट के हाथ में दिया जा सकता है, या एग्जीक्यूटिव कुछ टाइम के लिए अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए फटाक से इसका प्रोसेस देख लेते हैं। अच्छा, क्या प्रेसिडेंट अपने ही मन से ये इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं या प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं? यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आर्टिकल में लिखी हुई है, विच इज प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। तो पहला केस हो गया ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर ने देखा स्टेट में गड़बड़ चल रही है, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर की और वो प्रेसिडेंट को भेजी, और अदरवाइज, मतलब अदरवाइज यहाँ पे लेकर आता है कि ज़रूरी नहीं है गवर्नर की ही रिपोर्ट पर, प्रेसिडेंट को अदरवाइज भी खुद नोटिस करके, खुद देखकर अगर कुछ ऐसा लगा, जांच पड़ताल करके उनको कुछ पता चला कि भाई देर इज़ अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जैसा चलना चाहिए स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे नहीं चल रहा है, अदरवाइज केस में भी गवर्नर ने रिपोर्ट नहीं दी है, उस केस में भी प्रेसिडेंट कैन टेक नोटिस एंड डू दिस थिंग या प्रोक्लेम एंड इमरजेंसी। तो पहला स्टेप हो गया, मान लीजिए यहाँ पे जनरली गवर्नर ही रिपोर्ट देते हैं। आप पूरे इंडिया में काफ़ी बार देखेंगे जितने बार भी स्टेट इमरजेंसीज लगी हैं, जनरली व्हाट हैपेंस इज गवर्नर ही रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, जनरली तो मान लीजिए गवर्नर ने रिपोर्ट दी, अब गवर्नर ने रिपोर्ट दी और प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट पढ़ी, पूरी स्टडी की, एंड ही इज कन्विंस्ड ऑफ वॉट, अगेन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उनको दिख गया है। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम इमरजेंसी, या जिसको हम और क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल लगा देंगे। ठीक है, अब क्या ये प्रेसिडेंट रूल लग गया अपनी ही मर्जी से तो क्या पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है? ऐसा नहीं है।
ये प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद 2 महीने के अंदर, within 2 months, इसको अप्रूवल चाहिए होता है ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का अप्रूवल within 2 months, इमरजेंसी लग गई, प्रोक्लेम हो गई, उसके 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए. अच्छा, अप्रूवल चाहिए किस टाइप के मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से खाली अप्रूवल चाहिए, लेकिन चाहिए. अच्छा, क्या ये इमरजेंसी लग गई तो कंटिन्यूसली लगी रह सकती है जितने साल चाहे? ये इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल मैक्स टू मैक्स 3 साल तक लगा रह सकता है. तो बहुत लंबा प्रोविजन है. किसी भी स्टेट को प्रोटेक्शन की जरूरत है, एकदम ही नहीं सुधर पा रहा है, 3 साल तक लगा लो. लेकिन यहां पर एक शर्त है, कंडीशन. क्या? हर 6 महीने में, every 6 months, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करता रहे. मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चाहे तो 3 साल तक इमरजेंसी नहीं लगा सकते. 3 साल तक लग सकती है, लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल उसको नेसेसरी है. तो भाई पहली बार लगी तो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ताकि वो कंटिन्यू हो पाए. मैक्सिमम लॉन्गेस्ट टाइम तक कब तक लग सकती है? 3 साल तक लग सकती है, लेकिन हर 6 महीने में उस केस में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए पड़ेगा. ये हो गया, आपने को प्रोसेस समझ में आ गया कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल कैसे लगता है. ठीक है, अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की. क्या वेस्ट बंगाल में ये जो प्रेसिडेंट्स रूल लग रहा है ये पहली बार लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक्चुअली में वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल 1962 के बीच से लेकर 1977 के बीच में ही 4 बार लग चुका है. 4 times. सबसे पहला जो प्रेसिडेंट्स रूल लगा था वो भाई लोग लगा था 1962 में ही. यहाँ पे उनके एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था बिधान चंद्र रॉय. ठीक है, ही डाइड, उनकी डेथ हो गई, तो एकदम से सब कुछ हौच पौच हो गया, पूरा मच गया, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. एंड ही डाइड सडनली वाइल ही वॉज द चीफ मिनिस्टर. ठीक है, तो ये सीएम थे, ही डाइड सडनली उस टाइम पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ गई. तो 1962 में एक बार इमरजेंसी लगी. नेक्स्ट फिर 1968 में एक और नए चीफ मिनिस्टर आए जिनका नाम था डॉक्टर पीसी घोष. इन्होंने भाई लोग गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन दे दिया. अच्छा, चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन करते हैं ना, गवर्नर को ही देता है, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया. तो अगेन सडनली चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, गवर्नमेंट ही चली गई, मतलब जो मेन लीड करता था वो ही नहीं है, तो अगेन पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई. तो यहाँ पर भी इमरजेंसी लगी. अच्छा, पहले केस में ना सिर्फ 7 days के लिए लगी थी इमरजेंसी, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि लंबी लगानी है, 7 दिन के लिए लगी थी, लेकिन ज़रूरत थी तो लगानी पड़ी. ठीक है, सेम यहाँ पर भी बहुत कम दिनों के लिए लगी थी. फाइनली इन्होंने रिज़ाइन किया तो अगेन गवर्नमेंट गायब हो गई, स्टेट के पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, तो 1968 में सेकेंड टाइम इमरजेंसी लगानी पड़ी. फिर ये चलते 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 फाइनली एक कोलिशन गवर्नमेंट लेकर आए, गठबंधन लेकर आए, जो कि था CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और गठबंधन था भाई बांग्ला कांग्रेस के बीच में. ठीक है, ये कोलिशन लेके आए थे, लेकिन इनके ही बीच में डिसहार्मनी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, चल ही नहीं पाया साथ में. तो क्योंकि इनकी सरकार गिरी, पूरी डिसहार्मनी हो गई, स्टेट की अर्थव्यवस्था फिर से हिल गई, तो फिर इमरजेंसी फिर से लगी या प्रेसिडेंट्स रूल फिर से लगा 1970 के अराउंड, और काफी लंबे टाइम तक लगा रहा. ठीक है, और फिर अगेन सेम सरकार मेंटेन नहीं हो पाई, तो फाइनली लास्ट एक जो प्रेसिडेंट्स रूल लगा था दैट वाज 1977 में. तो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में 1, 2, 3, 4 बार प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है. लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट्स रूल इज अ ह्यूज थिंग, सो ह्यूज, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, उसकी पूरी डिबेट होती थी, बातचीत होती थी, एक एक प्रोविजन, एक एक आर्टिकल डालने के पहले बातचीत हुई है कि ये डालना चाहिए कि नहीं. तो आर्टिकल 356 के ऊपर जब बातचीत चल रही थी, तो बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स जो थे या फ्रेमर्स जो थे, उन्होंने मना कर दिया था. उन्होंने बोला था कि यार ये तो कभी भी अब्यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का, इस आर्टिकल का, है ना, कि हाथ से सरकार जा रही है, इमरजेंसी लगवा दो, इस टाइप की चीज़ है. और किया भी गया है, हमारी आप जान सकते हैं जो एक्स
पीएम इंदिरा गांधी उनके गवर्नमेंट के टाइम पे मिसयूज़ भी किया है। कंट्री वाइड नेशन वाइज इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, यहाँ हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरे में ही इमरजेंसी लगा दी थी। तो उन्होंने बोला यार इसका तो बहुत अब्यूज़ किया जा सकता है, बट यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी इन्होंने बोला कि इस ऐसे तो बहुत सारे प्रोविजंस का मिसयूज़ किया जा ही सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका मिसयूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप प्रोविजन ही ना डालो, उससे मदद भी तो मिलेगी, कई बार ऐसा रीज़न आ सकता है। हालांकि उनको पहले से नहीं पता था कि आगे जाके पॉलिटिकल इश्यूज़ के वजह से ही रीजन्स आएंगे, बट उनने फोर्सी कर लिया था कि ऐसे रीज़न आ सकते हैं कई बार जिसके वजह से हो सकता है स्टेट की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए। उस टाइम पे उनको हेल्प चाहिए होगी, उनको चाहिए रहेगा कि भाई उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करो, पूरा जो उनकी स्टेट की गवर्नमेंट है उसको हटाओ और अपने हाथ में सब कुछ सेंटर ले ले, ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। तो इसको फोर्सी करके फाइनली आर्टिकल 365 डाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट क्या थी। अच्छा, अब अगर माना जाए तो टीएमसी के जो मेंबर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो बोल रहे हैं कि यार ये बीजेपी फालतू में हमको स्लैंग कर रही है, फालतू में इतना ज़्यादा तो है भी नहीं। अब वी ऑनेस्टली डोंट नो कितना है कितना नहीं, फाइनली रिपोर्ट जब निकल कर आएगी। रिसेंटली अभी एक दिन पहले ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की भी चेयरमैन वहाँ पर गई हैं, मिसेस शर्मा, उन्होंने भी जाके बातचीत की है एंड एवरीथिंग, इवन शी इज़ शॉक्ड। बट टीएमसी के मेंबर्स का ये कहना है कि बीजेपी इज ट्राइंग टू स्लैंडर अस, हमारा नाम खराब कर रही है, और जस्ट बिकॉज अभी लोकसभा पोल्स आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बीजेपी वांट्स कि भाई इमरजेंसी लग जाए, ताकि वो इमरजेंसी लगती है ना तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और फिर बेसिकली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो दो तीन रीजंस टीएमसी के मेंबर्स ने इस तरीके के दिए हैं कि इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक एंड विच बीजेपी या आर ऑपोजिशन इज़ यूजिंग अगेंस्ट अस। अब ऑनेस्टली नोबडी नोज व्हाट द ट्रूथ इज़, बट व्हाट द ओनली थिंग आई कैन से राइट नाउ इज़ कि इफ़ दिस इज़ रियली हैपनिंग इन अ टाउन, इंडिया के एक छोटी सी जगह भले ही, वहाँ पर अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि एक भी घर में एक भी औरत सेफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो देर इज़ अ फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, क्योंकि स्टेट मशीनरी में पुलिस भी आती है, और अगर वहाँ की औरतों की बातें मानी जाए या रिपोर्ट्स की सुनी जाए तो उन औरतों का कहना ये भी है कि इवन द पुलिस डिड नॉट हेल्प देम, पुलिस ने भी उनकी हेल्प नहीं की, और जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, इवन दैट रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स डिड नॉट हेल्प एनी वन। तो अगर ये सच है बाई चांस, तो देर इज़ डेफिनेटली अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। हो सकता है इमरजेंसी लगे, हो सकता है ना लगे, बट अगर लगती है और प्रूव होता है तो देयर विल बी इनफ ग्राउंड फॉर इमरजेंसी।